दोस्तों यकीन कीजिए कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक और शानदार बिजनेस आइडिया लेकर हाजिर हुआ हूं। इस बिजनेस को करके आप लोग महाना 2 से 3 लाख रुपए आसानी के साथ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों सबसे पहली शर्त यह है कि आप लोगों ने मेहनत और लगन से काम करना है। अगर आप लोग मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे तो आप लोग करोड़ों लगाकर भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल आखिर तक जरूर देखना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बेहतरीन बिजनेस के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। दोस्तों ये बिजनेस कौन सा है, इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए आप लोगों को टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में प्रूफ के साथ दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर तो आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे या स्किप कर करके देखेंगे तो नुकसान आप लोगों ने अपना करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से महाना लाखों डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने अपना दूसरा चैनल बना दिया है, इंजीनियर अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप जल्दी से जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं उन पर आप लोगों ने काम करना है। इंशाल्लाह आप लोग भी घर बैठे महाना लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया है जानवरों और परिंदों की फीड बनाने के हवाले से। आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और मुर्गी फार्मिंग कितनी ज्यादा तादाद में होती है। इसके अलावा लोग छोटे लेवल पर भी मुर्गियाँ, बकरियाँ, भैंसे और चूजे वगैरह पालते हैं। इन जानवरों को जिंदा रखने के लिए जो खुराक दी जाती है इसको फीड कहते हैं। इस फीड की क्वालिटी के लिहाज से मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आप लोग इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जानवरों की फीड उम्र और वर्किंग के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, जैसा की दूध देने वाली गायें और भैंस के लिए अलग, चूजों और मुर्गियों के लिए अलग फीड तैयार की जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मशीनरी के हवाले से और रॉ मटेरियल के हवाले से। दोस्तों मशीनरी के तौर पर आप लोगों को 3 मशीनों की जरूरत पड़ेगी, चॉपर मशीन, मिक्सचर मशीन और पैलेट मशीन। अगर दोस्तों आप लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर मशीन परचेज कर लेनी है। मिक्सचर मशीन को परचेज करके ही आप लोग अपना आसानी से कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मशीनें आप लोगों को पाकिस्तान के ही चंद छोटे बड़े शहरों से आसानी मिल जाएंगी। अगर आप लोग लाहौर से लेना चाह रहे हैं तो ये मशीन आप लोगों को लाहौर ब्रथ रोड से आसानी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इन मशीनों को चाइना से भी ऑनलाइन इम्पोर्ट करवा सकते हैं। आप लोगों ने अपना ऑर्डर बुक करवाना है, इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आप तक मशीन पहुंच जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल के हवाले से। रॉ मटेरियल के तौर पर दोस्तों आप लोगों को मकई और गंदम की जरूरत पड़ेगी। इनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने पैलेट मशीन में डाल देना है। जैसे ही रॉ मटेरियल को आप लोग पैलेट मशीन में डालेंगे तो ये छोटे छोटे पैलेट तैयार करती जाएगी। इसके बाद सिंपली दोस्तों इनको आप लोगों ने पैक करना है। पैक करने के बाद आप लोगों ने मार्केट में जाकर सेल कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब से कोई सी 2-3 वीडियोस देख लेनी है कि फीड को किस तरीके से तैयार किया जाता है, इससे आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। दोस्तों हर बंदा यही कहता है कि प्रोडक्ट तैयार करना मुश्किल काम नहीं होता बल्कि प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों इस मुश्किल काम का भी मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे ही आप लोग अपनी प्रोडक्ट को तैयार कर लेंगे आप लोगों ने इसकी पैकिंग अच्छी करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी आप लोगों की पैकिंग होगी उतनी ही जल्दी मार्केट में आप लोगों का नाम बन जाएगा। लोग दौड़े दौड़े भागे भागे आप लोगों के पास आया करेंगे और आपकी प्रोडक्ट को खरीद कर चले जाया करेंगे। दोस्तों अगर तो मार्केट में जाकर आप लोग खुद सेल करेंगे इससे आपकी भी पहचान होगी और आपके ब्रांड की भी पहचान होगी। लेकिन अगर आप लोग ये कहते हैं कि यार हमें तो शर्म आती है मार्केट में जाकर कैसे सेल करें, तो इसके लिए आप लोग एक सेलमैन बंदा भी रख सकते हैं जो कि आपकी तमाम तैयारशुदा प्रोडक्ट को मार्केट में जाकर सेल किया करेगा और रात को आप लोगों को पैसे लाकर दिया करेगा। दोस्तों आप लोगों ने अपने एरिया के जितने भी मुर्गी फार्म हैं उनको लाजमी टारगेट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोडक्ट हाथों हाथ सेल हो जाया करेगी। बस आप लोगों ने अपनी क्वालिटी को भी अच्छा रखना है। यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता चला जाऊं, अगर तो आप लोग ये कारोबार करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि दिनों में आप लोग लाखपति बन जाएंगे। आप लोगों को लाखपति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। यकीन करें दोस्तों इस कारोबार की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि आप लोग सोच नहीं सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये बिजनेस नहीं भी करना चाह रहे तो आप लोग हमारा चैनल विजिट करें, वहां पर आप लोगों को बेशुमार बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप लोग इनमें से कोई भी बिजनेस करते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने अपनी माओ बहनों के लिए अपना एक दूसरा चैनल बना दिया है, वो आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो मेरी माए बहने घर
बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाना चाह रही हैं वो इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।